हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये तो देख ही रहे हैं बकरी, और बकरी लेके आया हूँ। आज आइए, आज हम बताते हैं भैया, डरावनी पहाड़ी दिखाते हैं आप लोग को। और आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दोस्तों दबा लें और ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहें। क्योंकि भैया ये सऊदी अरब का जंगल है, और जंगल में ऐसा ऐसा पहाड़ी भी दिखती है कि क्या बताया जाए। खैर, उस पहाड़ी का काम तो दिन में नहीं रहता है, काम रात में रहता है, क्योंकि भैया वो ऐसे पहाड़ियों से दूर रहा जाता है। और ऐसे आज बकरी इधर आई है तो आज हम दिखाएंगे वो पहाड़ी भी आप लोग को। आप लोग बस वीडियो में बने रहें। ऐसा है कि भैया वो पहाड़ी का खासियत यही है कि भैया जानवर, जो जंगली जानवर रहते हैं, उस पहाड़ी के अंदर ही घुसे रहते हैं, अपना अपना घर बना के उसी में रहते हैं। जो कि भैया दिन में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन रात में निकलते हैं। और जो भी जानवर पाते हैं, बकरी ऊँट, ऊँट को तो खैर नहीं वो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बकरियों को नुकसान बहुत अच्छी तरह से पहुंचा देते हैं। जो कि कूद जाते हैं भैया सपकवा में, ले कूद जाते हैं मजरवा में, जहां मजरा है, जहां बकरी रहती है, फार्म यानी है, जहां वहां पे रात में पहुंचते हैं उधर, और जाके ऐसे तैसे कूद जाते हैं। इसके लिए बहुत निगरानी करना पड़ता है रात में भी, कहें से कि भैया अगर एकाध नुकसान हुआ ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। बोली सुनना पड़ता है, बस सिर्फ बोली सुनना पड़ता है, और क्या किया जाएगा। नुकसान हुआ तो हुआ भैया, कहें से कि अपना गलती तो नहीं रहता है। लेकिन काफ़ी लोग जो होते हैं ना, बहुत उल्टा खोपड़ी के होते हैं, और हर जगह के मालिक सेठ वही होते हैं। हम तो हर जगह में काम किए हुए हैं, इसके लिए हमको मालूम है दोस्तों। तो वो बड़बड़ बड़बड़ करेंगे कि देखा नहीं तो ये कैसे आ गया, क्यों आ गया। हाँ, ऐसे रात हो या दिन हो, भैया अगर एकाध बकरी बच्चा इसमें से दे दी ना और छूट गई, यहाँ न देख पाया, तो समझ के चलें भैया उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन दिन में बकरियों को तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, रात के समय बकरियों को नुकसान पहुँचाते हैं भैया, और ज़्यादातर करके पहुँचाते हैं। इंसान को भी पहुँचा देंगे अगर बकरी नहीं पाए तो, लेकिन बकरी जाए तो जाए, इंसान काहे के लिए भैया यहाँ कमाने आया है, जान गंवाने थोड़ी आया है, जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों, आगे आइए, आप लोग को पहाड़ी तक लेके चलते हैं। और पहाड़ियाँ तो बहुत सी हैं, लेकिन वैसी पहाड़ियाँ इधर एक है, बाकी अंदर जाएंगे थोड़ा जंगल के अंदर, जहाँ कुछ नहीं दिखा ऐसे, तो यहाँ पे भी वही हाल है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वैसी वैसी पहाड़ियाँ बहुत सी मिलेंगी, और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन वहाँ तक हिम्मत नहीं करता है कि हम जाएं। तो दोस्तों आ जाइए, बैक कैमरा से आप लोग को दिखाएंगे, उधर ही से बकरी भी लेके जाएंगे ताकि वीडियो में बना के डाल सकें। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यही वो पहाड़ी है जो कि भैया ऊपर में तो बांझ रहते हैं, ऊपर वाला खाना जो दिखाई दे रहा है उसमें बांझ रहते हैं, और नीचे वाले खाने में वो जंगली जानवर जो कि रात में निकलते हैं, और दिन में बहुत कम निकलते हैं। बकरियों को ऐसे इधर आने नहीं दिया जाता है भैया, कहाँ से कि बकरियों को उधर ही रोक चुका हूँ, देख सकते हैं इधर। और यहाँ तक बहुत डर से आना पड़ता है भैया, डरते डरते। हाँ, उस साइड से ऊपर चले आते हैं, बकरी वकरी खोजना रहता है तो। और ऐसे पहाड़ी के नीचे ही जंगली जानवर रहते हैं, जो कि भैया करीब जाने में तो डर लग रहा है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोग को दिखाने की पहाड़ी कैसी पहाड़ी है। और यह पहाड़ी का दरवाज़ा समझ के चलें, गेट दो तरफ है, एक तो ये तरफ है, एक उस तरफ है, क्योंकि भैया पहाड़ी जो है, पहाड़ी का यही खासियत है कि दोनों तरफ समझ के चलें कि बड़ा बड़ा बिल बनाए हुए हैं, और इसी में रहते हैं भैया। और देख सकते हैं इधर, यहाँ तक इतने टाइम तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ आने के लिए भी बहुत डर लगता है। जो कि दोस्तों ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं पहाड़ी का,
ऐसे बर्जा की नुमा एकदम निकला हुआ है, और इधर से भी देख सकते हैं नीचे देख ही रहा है, जो कि भैया जगह जगह बड़ी बड़ी बीलें बनी हुई हैं, और कुछ बीलों को मुने हुए भी हैं लोग, जो कि सऊदी अरब में सऊदी जो ये एरिया के सऊदी हैं वो लोग, और यहाँ पे कुछ खतरा उतरा के बारे में लिखे हैं अरबी भाषा में लिखे हैं, जो कि हम नहीं समझ पाएंगे भैया क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है, और आ जाइए और करीब आके दिखाते हैं आप लोग को। ये देखें दोस्तों, मून दिया गया है, क्योंकि भैया बहुत खतरनाक ये पहाड़ी भी है और बहुत खतरनाक यहाँ जानवर भी रहते हैं भैया। हाँ, इसके लिए बहुत हिसाब से रहते हैं लोग, दिक्कत बकरी का रहता है, बकरी उठा के लेके चले जाते हैं ना, इसके लिए। ये देख सकते हैं इसके अंदर भी ऐसे ही जगह बना हुआ है आराम से, जो कि रह जाएं अंदर तक। ओ देख सकते हैं बाज भागा, देख सकते हैं दोस्तों, मैं तो डर गया लेकिन भाग गया उधर। तो भैया यही सब होता है, ये जो ऊपर वाला खाना जो दिख रहा है ना, ये सब खाना में बाज रहते हैं बहुत पुराने पुराने, और नीचे जो है यानी शेर तो नहीं रहते होंगे, इसलिए भाग के कहीं से आ गए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो सियार होते हैं बोला जाता है वही सब रहते हैं इधर भैया। तो दोस्तों यही सब है, बाकी तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दोस्तों दबा लेना, उससे प्यार सपोर्ट करते रहना। जब तक के लिए इजाजत दें दोस्तों, जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखना दोस्तों।